اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد नाज़रीन और सामईन की खिदमत में सलामुअलैकुम। मैं शिया चैनल लराए बरेली से ज़ाहिर हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हजरात, मुसलसल इस चैनल के ज़रिए से दीनी प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं, शहादत के सिलसिले से मजलिसें हों या मरहूमीन के साले सवाब के सिलसिले से मजलिसें हों, आज तक इस वबा के दौर में, इस COVID-19 के दौर में मुसलसल आप तक ये मजलिसें टेलीकास्ट की जा रही हैं इस चैनल के ज़रिए से। और आज भी 9 ज़िलहिज्जा की तारीख है, जो कि बड़ी क़यामत खेज़ तारीख है, जो कि सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के शहादत के सिलसिले का रोज़ की तारीख है। और आज शिया चैनल रायबरेली टीम की तरफ से एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है, जिसको ख़िताब करने के लिए हमारे साथ हुसैनिया अबुल फजल अब्बास से मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता खतीब खतीब नहजुल बलागा मौलाना सैयद कंबर अली रिज़वी साहब, वो आज की मजलिस को खिताब करेंगे। आइए हजरात, मजलिस का आगाज करते हैं। मजलिस के आगाज में जनाब मुस्लिम बिन अकील के शहादत के सिलसिले से कुछ मसाइब के अशार हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं और उसके बाद मौलाना की तकरीर होगी। समाप्त करें कि कहा हुसैन ने मुस्लिम मेरा सताया गया, कहा हुसैन ने मुस्लिम मेरा सताया गया, रुकैया कूफे में बाबा तुम्हारा मारा गया, और खत अपना भेज के कूफे उन्हें बुलाया था, अमन सुकून का पैगाम भी सुनाया था, सफीर बन के मेरे भाई कूफे पहुंचा था, सफीर बन के मेरा भाई कूफे पहुंचा था, मगर मुसाफिरे सरवर का साथ छोड़ा गया, रुकैया कूफे में बाबा तुम्हारा मारा गया, मेरे सफीर को पानी नहीं पिलाया गया, कहा हुसैन ने मुस्लिम मेरा सताया गया। और खबर शहादत मुस्लिम की जब मिली शह को, ये बोले अहले हरम से कि रो सर पीटो, शहीद हो गया मुस्लिम चाहने वालों, बड़ी बेरहमी से मुस्लिम के सर को काटा गया, रुकैया कूफे में बाबा तुम्हारा मारा गया। और जो फर्शे दारुल अमारा पे लाशे मुस्लिम थी, ना एहतमाम जनाजा न रोने वाला कोई, सितम है पैरों में मुस्लिम के रस्सी बांधी गई, गली में कूफे के लाशा तुम्हारा खींचा गया, रुकैया कूफे में बाबा तुम्हारा मारा गया, रुकैया कूफे में बाबा तुम्हारा मारा गया, कहा हुसैन ने मुस्लिम मेरा सताया गया, मेरे सफीर को पानी नहीं पिलाया गया। आई हजरात, इन्हीं मसाइब के अशार के साथ मैं खतीब नहजुल बलागा मौलाना सैयद कंबर अली रिज़वी साहब की खिदमत में चलता हूं, जो कि अपने घर से हुसैनिया अबुल फजल अब्बास से हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे गुजारिश की जा रही है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील के शहादत के सिलसिले से जो मजलिस का इनेकाद किया गया है, उस मजलिस को खिताब करें। सभी नाज़रीन और सामईन की खिदमत में गुजारिश की जा रही कि एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة
أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البتي البتي التهامي الدافج الشاتي الباتيل والدامغ السولات الذليل مولن الحق بالحق بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد هم أساس الدين وإماد اليقين صلوات بھیجو بزرگان محترم و دوستان عزیز یہ مجلس عزا جو بسلسلہ شہادت سفیر حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام یعنی جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام شیعہ چینل رائے بریلی کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے یہ نہج البلاغہ کی زینت ہیں ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہم اساس الدین و عماد الیقین اس لیے کہ آل محمد ہی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں۔ عزیزان محترم اول دین معرفت پروردگار ہے اور معرفت پروردگار بغیر وسیلے اور ذریعے کے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس غیب کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتا اور ادراک کرے گا بھی تو اتنا کرے گا کہ اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا بغیر خلق کرنے والے کے خلق نہیں ہو سکتی لیکن وہ ذات اپنے اندر کیا صفات کیا کمالات کیا صفتیں رکھتی ہے اس کا ادراک بہت مشکل ہے اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ خالق رازق مالک کون ہے اور سجدے تو سب کرتے ہیں لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم بغیر دیکھے خالق کو سجدہ نہیں کرتے لیکن جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی کیا آپ اس خالق کو سجدہ کرتے ہیں جسے آپ نے دیکھا نہیں کہا نہیں دیکھے بغیر سجدہ میں نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے اس خالق کو ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور یہی وہ ذات گرامی ہے جس نے کہا لو کشف الغطا لمس دست و یقینا اگر حجاب ہائے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یقیناً یہی وہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جنہوں نے خالق کا رازق کا مالک کا پیدا کرنے والے کا تعارف کرایا اور یہی وہ گھرانہ ہے جیسا کہ میں نے مولا کائنات کے لیے کہا اسی طرح سے مولا حسین نے روز عرفہ دعا پڑھتے ہوئے یعنی ایک تو عرفہ وہ تھا جب روز عرفہ سے پہلے ہی سن 60 ہجری کو امام حسین مکے سے حج کو عمرے سے بدل کر نکل گئے تھے لیکن مولا حسین نے اس سے پہلے بھی بہت سے حج کیے تو ایک حج کے دوران عرفات کے میدان میں پہاڑ کی بلندی پر آپ نے وہ لاجواب و بے مثال راز و نیاز کیا ہے اپنے خالق اور مالک سے جسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے اور یقیناً روز عرفہ اعمال عرفہ میں بہت سی چیزیں ہیں اس میں اہم ترین جو ہے ویسے تو روزہ رکھے لیکن روز عرفہ قبولیت دعا کا دن ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ روزے کی اہمیت کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ اگر روزے سے آپ میں کمزوری پیدا ہو اور اس کمزوری کی وجہ سے
आपकी दुआ और राजो नियाज में फर्क आए तो अब दुआ मुकद्दम है, रोजा मुअख्खर है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी वो लाजवाब और बेमिसाल, जिसमें का एक जुमला यकीनन जिससे पता चलता है कि ये बुनियाद दीन क्यों हैं, ये असास दीन क्यों हैं, ये यकीन के सुतून क्यों हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने बहुत सी बातें उसमें हैं। वाकयन तौहीद का दर्स अगर किसी को लेना है तो वो इमाम हुसैन की दुआएं अरफा पढ़े तो उसे अंदाजा होगा। लेकिन उसी दुआ में इमाम हुसैन ने अजब जुमला कहा कि माबूद जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, जिसने तुझे पा लिया और उसे जमाना नहीं मिला तो उसने खोया क्या। लेकिन उसे अगर सारी दौलतें मिल गई जमाने की और तू नहीं मिला तो उसने पाया क्या। सलवात दे मोहम्मद वाले बहरहाल अजीजान मुहर्रम, और इस बुनियाद को अगर समझना है तो मैं अक्सर इस बात को अर्ज करता हूँ कि यकीनन जो समझना चाहे वो ख्वाजा अजमेरी की रुबाई से समझ सकता है कि यकीनन इमाम हुसैन ने ऐसी कुर्बानी दी कि ख्वाजा अजमेरी ने वाकया नजराने अकीदत पेश किया ये कहकर कि शास्त हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह हुसैन। इसलिए कि ला इलाह का जो मिजाज है वो इमाम हुसैन के इनकार में आपको नजर आएगा। गोया कि अगर हुसैन का इनकार ना होता तो लोगों की समझ में ला इलाह ना आता, और इमाम हुसैन का सजदा ना होता तो लोगों की समझ में इल्लल्लाह ना आता। तो यकीनन ला और इल्लल्लाह को, और इस बात को अल्लामा इकबाल ने भी अपने अंदाज में कहा कि बहरे हक दरखा को खूं गलतीदास पस बिना ला इला गर्दीदास। और दूसरे मुकाम पर कहा कि अजीब मंजिल है अजीजान मुहर्रम जहां पर के यानी इन दोनों चीजों को जमा कर दिया कि नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा नविश सत्र उनवाने नजाते मां नविश। ये हुसैन ने अपने सजदे से रेगजार करबरा पे इल्लल्लाह लिखा, यानी ये सजदा नहीं है, ये वजूद खुदा की दलील है। हालांकि मौला हुसैन कह चुके कि तू गायब कब था जो तुझे कोई जाहिर करे। इसीलिए मैं इस मंजिल पर एहतियात करता हूँ, तौहीद के बजाय नजरिया तौहीद की बात करता हूँ। बहरहाल खुलासे गुफ्तगू ये है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उम्मत से अलग इसलिए हैं कि उम्मत सुनकर दीन पर अमल करती है, और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम यकीन की मंजिल पर खालिक व मालिक की इबादत और उसका तज़किरा करते हैं। सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल वो करबला जो इमाम हुसैन ने 72 साथियों के साथ बनाई, वो करबला बनाने के लिए यकीनन एक मंजिल और भी है, और वो ये कि इमाम हुसैन ने ये कहा कि जैसे साथी हमें मिले वैसे न मेरे नाना को मिले, वैसे न मेरे बाबा को मिले, वैसे न मेरे भाई हसन को मिले। तो यकीनन करबला के हवाले से तो तस्करे होते ही हैं, लेकिन करबला बगैर सफीर हुसैन बगैर मुस्लिम इब्ने अकील के मुकम्मल नहीं होती। और अजीजान मोहतरम यकीनन इस घराने के मामलात को हर आदमी समझ नहीं सकता है, लेकिन मैं मसाइब की मंजिल पर जाने से पहले चंद बातें 2-3 मिनट में जनाब मुस्लिम की अजमत के हवाले से, इसलिए कि देखिए करबला अगर बुनियाद दीन है, अगर हुसैन बिनाए ला इलाह है, तो करबला का हर फर्द मुंतखब है। अगर मुंतखब ना होता तो इमाम हुसैन एक तरफ शबे आशूर में अस्हाब को जाने की इजाजत दे रहे हैं और दूसरी तरफ हबीब इब्ने मजाहिर को खत लिखकर बुला रहे हैं। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, भाई एक तरफ तो जाने की इजाजत है कि हमारे सर की जरूरत है, तुम्हारे सर की जरूरत इन्हें नहीं है, और दूसरी तरफ हबीब को खत लिखकर बुलाया जा रहा है। और ये सिलसिले माजी में अगर आप जाएंगे, बहुत सुना है आपने, लेकिन कभी इस तरह से भी सुनिए कि वो नजुल बलागा का मैं अदना सा तालिब इल्म, नजुल बलागा में 2 मकामात पर मौलाए कायनात का दावा सलूनी है, और यह है कि जो पूछना है पूछो, मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ,
मैं क़यामत तक के मामलात बता सकता हूँ कि गुमराह होने वाले कौन हैं और हिदायत पाने वाले कौन हैं। जो इल्म किताब का मुकम्मल आलिम हो, जो सूरह रात की आखिरी आयत का मिज़दाक हो, क्या उसे ये ज़रूरत है कि उसका भाई ये बताए? तवज्जो कीजिएगा कि वो किस कबीले में शादी करे तो उसका जवान बेटा पैदा हो। भाई तवज्जो करें जान मोहतरम, जो दावा सलूनी, जो मुकम्मल किताब, जो आसमानी सहीफों की तिलावत पैदा होते ही करे, जो इस तरह से मसाइल को हल कर दे जैसे हमारे हाथ लोगों के सामने आए, तवज्जो कीजिएगा, वो जो जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हो, वो अपने भाई से कहे कि अकील, मैं ऐसे घराने में अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां से एक ऐसा बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। याद रखिएगा, ये अंदाज है आले मोहम्मद की तबलीग का। ये अकील से पता नहीं पूछ रहे हैं बल्कि अकील को मुतवज्जे कर रहे हैं कि मुझे भी करबला की फिक्र है, तुम्हें भी करबला की फिक्र होना चाहिए। और याद रखिएगा, जिस वक्त जनाबे अकील से ये जुमले कहे हैं कि करबला के लिए मुझे एक बेटे की जरूरत है, शायद मौलाए कायनात का इजहार तो तारीख ने महफूज कर लिया है, लेकिन अकील की ख्वाहिश शायद लोगों के सामने ना आई हो, लेकिन मेरा दिल यही कहता है कि उधर मौलाए कायनात ने जनाबे अब्बास की तमन्ना की होगी, इधर जनाबे अकील ने भी दुआ की होगी कि माबूद मुझे भी एक ऐसा बेटा मिले जो करबला में हुसैन के काम आ सके। और दोनों भाइयों को परवरदिगार आलम ने उसी तरह के बेटे अता किए। अगर एक के घर में अब्बास की विलादत हुई तो दूसरे के घर में मुस्लिम की विलादत हुई। और इनकी अजमतों बुजुर्गी ये है, बस मैं खत्म कर रहा हूं बात को, बस तबरुकन और तयमुनन ये तस्किरा है ताकि ये जिक्र कोविड-19 के दौर में इस जिक्र से, वैसे तो मुख्तसर सी मजलिस खुर्शीद अनवर जाफरी साहब के यहां मुनक़िद भी हुई है, लेकिन और मोमिनीन के लिए ताकि इस जिक्र से महरूम न रहें, इसलिए शिया चैनल की तरफ से इस मजलिस का एहतिमाम किया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप जनाबे अब्बास और जनाबे मुस्लिम की ज़ियारतों को मिलाएंगे तो आपको दोनों के अल्फाज मिलते जुलते मिलेंगे, इसलिए कि एक अगर अलमदार करबला है तो दूसरे सफीर हुसैन करबला। और यकीन शहादत की मंजिल पर जनाबे मुस्लिम के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास, इसलिए कि घंटों चाहिए हैं जनाबे मुस्लिम की शहादत के बयान के लिए, इसलिए कि मुस्लिम आलम गुरबत में छोटे छोटे बच्चों के साथ अल्लाह अकबर किस तरह से जनाबे मुस्लिम ने मुकाबला किया है। और वहां पर यह बताया है जब जनाबे मुस्लिम को गिरफ्तार करके वो भी धोखे से, खदे से, यानी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था, और उधर से इब्ने ज़ियाद कह रहा था जब तुम बनी हाशिम के एक जवान का मुकाबला नहीं कर रहे हो तो अगर सब आ गए तो क्या होगा। गोया के कहना चाह रहा था कि फिर अब्बास का मुकाबला कैसे करोगे, फिर अली अकबर का मुकाबला कैसे करोगे। तो अशस इब्ने कैस के बेटे मोहम्मद इब्ने अशस ने कहा था कि क्या तू ये समझ रहा है कि तेरा मुकाबला बनिए के मदीने के किसी बनिए बकाल से, अरे ये बनी हाशिम है। तो आज़ादारों, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए एक गढ़े में कुछ ऐसा मंजर पेश किया गया ताकि जनाब मुस्लिम उसमें गिर जाएँ, और यही हुआ। और आज़ादारों, जनाबे मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले जाया गया। और याद रखिएगा, रोजे अरफा के अमाल में एक अमल यह भी है कि ज़ियारत इमाम हुसैन, और रोजे अरफा खुदा की नजर रहमत करबला वालों पर भी होती है, अरफात वालों पर भी होती है, लेकिन इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि पहली नजर रहमत करबला वालों पर होती है, फिर अरफात वालों पर होती है। और यह ज़ियारत, हाँ, लोग तड़प रहे हैं इसलिए कि इस तारीख में करबला में लाखों का मजमा, यानी साल भर में अरबईन से मिलती जुलती जो मखसूसी, और हर आदमी अपने को करबला पहुंचाना चाहता है, लेकिन अजादारों इस दफा जायरीन तड़प के रह गए कि अरे हम अरफे में नहीं जा सके। लेकिन अजादारों, दसवें इमाम ने हमें तरीका बता दिया है कि अगर करीब जाकर मौला हुसैन को सलाम न कर सको तो दूर ही से सलाम कर लिया करो, बस
मजलिस तमाम हो रही है, लेकिन पहली मर्तबा दूर से मौला हुसैन को जिसने सलाम किया, आपको पता है वो कोई और नहीं, वो कूफे में शहीद होने वाला सफीर हुसैन मुस्लिम है। मैंने बयान को तमाम कर दिया, मैंने बयान को मुख्तसर कर दिया। हाँ, आज़ादारो, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, सलाम करने से इनकार किया इब्ने ज़ियाद को, तो उसने सख्त सजा सुनाई, कहा इसको छत पे ले जा करके कत्ल कर दिया जाए और सर और बदन को कूफे की गलियों में डाल दिया जाए। और आज़ादारो यही हुआ, लेकिन जनाब मुस्लिम ने शुक्राने की नमाज भी पढ़ी है और एक मर्तबा का अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबा अब्दुल्लाह आप पर सलाम हो। हवा के दोष पर जनाब मुस्लिम की आवाज बूतराब के वारिस के कानों तक गई। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा अलैका सलाम या गरीब, ऐ मुसाफिर तुझ पे मेरा सलाम हो। आज़ादारों तसव्वुर सही, ख्याल सही, लेकिन अगर इख्तियार इमामत का आपको एहसास है तो इस बात का खूब इम्कान है कि एक मर्तबा अब्बास और अली अकबर ने पूछा कि मौला कोई ताजा और नया आने वाला तो नजर नहीं आता, या आपने किसके सलाम का जवाब दिया? मौला हुसैन ने कहा मुस्लिम ने कूफे से सलाम कहलाया है। हाँ आज़ादारो, ये मुस्लिम का सलाम है, लेकिन आज़ादारो जब ये लुटा हुआ काफला कूफे में आया था और एक मर्तबा सैयद सज्जाद को फिर एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने सलाम किया, अब जो बेवे मुस्लिम ने अपने वाली की आवाज सुनी तड़प गई, अजब नहीं लाशें और सर के करीब जाकर कहा हो कि मेरे वाली, मेरे साथ जो दो बच्चे थे वो तो मैंने आका पे करबला में कुर्बान कर दिए, जरा ये तो बताइए जो दो बेटे आपके साथ थे वो किस तरह से कुर्बान हुए? हाय मुस्लिम का मुकद्दर, दो बेटे करबला में कुर्बान हुए, दो बेटे कूफे की कैद में, अब उसके बाद आज भी रोजे में वो हैबत है। हाँ आज़ादारो, हमारा सलाम हो मुस्लिम इब्ने अकील पर भी, उनकी औलादों पर भी, और उन नैज़ों पर बुलंद होते हुए सरों पर भी। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।